A beginner's guide to the preparation of UGC NET English या फिर for any other subject for that matter. Preparation for both paper 1 and 2 मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. Welcome everybody, welcome to UGC NET Adha 24/7. I am Professor Aishwarya Puri. अपने government college में professorship के experience के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे 2 से 3 महीने में भी हो सकती है NET की तैयारी. तो जितने भी लोग NET के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या एग्जाम में पहली बार अपीयर कर रहे हैं, कुछ छोटी सी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, सुन लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे. देखो, नेट का जो एग्ज़ाम है ना, वो इंडिया में आज की तारीख में कहीं पे भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, उसके लिए ये एग्ज़ाम आपका है. इट इज़ सिंपली अ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम. ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगा, लेकिन इसके बेसिस पे क्वालिफाई आप जरूर कर लेंगे और इस क्वालिफिकेशन के बिना आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी. अब इसका जो एग्जाम है वो साल में नॉर्मली 2 टाइम्स कंडक्ट होता था, पर पिछले कुछ पैटर्न साइकिल्स में कोविड आ गया या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से एक बार हो रहा है. तो मेरा ये मानना है कि आपका अपना जिंदगी बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में है, और एवरी टाइम दैट यू आर नॉट सीरियस फॉर दिस पेपर, आप अपने हाथ से अपनी जिंदगी के खूबसूरत एक सालों को जो है बर्बाद कर देंगे. तो ये नहीं करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि ये पेपर पहली बार में ही आप क्वालिफाई करो. और मैं तो कह भी नहीं रही कि भाई ये पेपर साल 2 साल की प्रिपरेशन का है, ये पेपर महज 3 से 6 महीने की प्रिपरेशन का है, बेस्ड ऑन कि आपके डेली नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स कितने हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई क्वालिफाइड दिस पेपर इन ओनली 45 डेज प्रिपरेशन, एंड देर आर स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो मेरे साथ इस बार के अटेम्प्ट में भी 1 महीना पढ़ के उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है. तो करते कैसे हैं, देखो वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले तो देखिए, ये पेपर जो है हमारा यूजीसी नेट का, इसमें 2 आपके सेक्शंस हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों ही जो एग्जाम्स हैं आपके, दोनों में मिनिमम 40% क्वालिफाइंग रहेगा, और मिनिमम 40% स्कोर करने के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा. तो पेपर 1 और 2 जो है इसमें आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, इसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए विद नो नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. इसका मतलब आप तुक्के लगा सकते हो इस एग्जाम में, ठीक है. और पेपर 1 जो है जनरल नेचर का होता है, जनरल नेचर का होता है, इसके अंदर बहुत से वेरिएड सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे बहुत अलग अलग वेरिएड रेंज के क्वेश्चंस इसमें आते हैं. ये आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है. अब आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि पेपर 1 जो है ये 100 मार्क्स का है, पेपर 2 मार्क्स में ज्यादा है, 200 मार्क्स का है. लेकिन तैयारी से पहले आपको पेपर 1 पे फोकस करना है या 2 पे, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, अ टेक्निकल सब्जेक्ट और अ लॉजिकल सब्जेक्ट, उसमें जो है आप लोग अपना फोकस जो है ज्यादा पेपर 2 पे रखिएगा. उसका रीजन ये है कि इन सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, उसमें पेपर 2 में मेरिट बहुत हाई चली जाती है, मतलब मेरिट 80+, 85%+, 90%+ चली जाती है. अच्छा, ऑन द अदर हैंड, आपका अगर सब्जेक्ट है लिटरेचर का, ह्यूमैनिटीज का कोई और सब्जेक्ट है, उसमें जो है आप पेपर 1 को इक्वल तवज्जो दें, क्योंकि पेपर 2 की जो मेरिट है वो कम रहती है. तो लिटरेचर की जैसे मैं बात करूं, आई टीच इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर में हमारी मेरिट कितनी जाती है, 50%+, 55%+ पे नेट क्वालिफाई हो जाता है, 62%+ पे आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है. तो पेपर 2 में जब आप कम स्कोर कर रहे हो ऑलरेडी, तो पेपर 1 में आपको वेटेज बना के रखनी पड़ेगी. जनरली ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में उन लोगों का JRF होता है जिनका पेपर 2 अगर एवरेज भी हो जाए तो, लेकिन पेपर 1 में वो मार्क्स उठाएंगे, ठीक है. तो ये एक अप्रोच रहेगी. दूसरा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें आपके 100 है उसमें 200 है, तो सारा फोकस पेपर 2 को जाना भी राइट स्ट्रैटेजी नहीं है. फोकस ये रखना, पहली बात तो अगर डिफरेंस भी आता है वो 80-20 या 70-30 का ना आए, डिफरेंस आए आपका 60-40 का या 65-35 का, ठीक है, इस तरीके का डिफरेंस आए. और पेपर 1 ना स्कोरिंग है वैसे तो,
अगर इसमें आपको राइट गाइडेंस मिल जाती है, राइट डायरेक्शन मिल जाती है, स्टडी के लिए राइट मटेरियल मिल जाता है, तो ये काफी आपका जो है स्कोरिंग पार्ट है. ये वाला जो पार्ट है इसका सिलेबस अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड सिलेबस का मतलब है, जैसे अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो पेपर वन आपका वो पोर्शन बनेगा जो स्कोरिंग बनेगा. अच्छा, इसमें भी क्या है, जैसे कि जिन लोगों का मैथ्स वीक है, उनको कोई आई आई टी सीसैट लेवल के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. कैलकुलेशंस काफ़ी सिंपल रहती हैं इसमें. यहाँ सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो है टाइम मैनेजमेंट. आपने अगर अपने टाइम को मैनेज कर लिया ना, पेपर वन में काफ़ी अच्छे मार्क्स उठा लोगे. और इसके जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड, लाइक आईसीटी, लाइक पॉलिटी, नेचर एंड एनवायरमेंट, उनकी तैयारी अगर आपके पास राइट मटीरियल है उससे भी हो जाएगी. ठीक है, तो पेपर वन की अगर मैं बात करूं, पेपर वन की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से कोई बेहतरीन सा, ठीक है, टीचर, गुरु, गाइड ढूंढ लो, और एक ढूंढ लो, कोई एक बढ़िया सा टीचर गुरु गाइड ढूंढ लो जिसके नक्शे कदमों पर चल लो, तो आपका काम बन जाएगा. वही आपको मटेरियल दे, वही आपको समझाए. ठीक है, बस देख लो कि वो जो टीचर है उसका सक्सेस रेट हाई है या नहीं. ऐसा कोई टीचर अपने लिए ढूंढ लो जो जिससे पढ़ के जो है बच्चों के सिलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट देगा. उससे मटेरियल मंगवा लो, उसकी वीडियोस देख लो, उससे पढ़ लो, और सिर्फ उस एक टीचर को फॉलो करना, उससे आपका काम जो है इसमें निकल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा कोई यूट्यूब वीडियोज से स्टडी कर लो. ठीक है, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे आप स्टडी कर सकते हो. तो कोई एक ऐसा सोर्स पकड़ लो और वहाँ से स्टडी करो, क्योंकि मार्केट में जो उसकी नॉर्मल बुक्स अवेलेबल हैं मोस्टली बहुत अपडेटेड नहीं होती हैं, अप टू द डेट नहीं है वो. उनमें डेट्स, फैक्ट्स या फिगर्स काफ़ी आर्केइक होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं, उनको अपडेट नहीं किया जाता. तो और इंटरनेट का ज़माना है भाई, इस्तेमाल करो इस इंटरनेट का. फ्री प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं. आप इस वक्त मेरी ये वीडियो भी देखो, मेरे साथ फ्री में इंटरेक्ट कर रहे हो आप लोग, है ना, फ्री में ये क्लास देख पा रहे हो. तो ये तरीका है जिससे आप इस एग्ज़ाम को जो है बिल्कुल कम से कम समय में भी प्रिपेयर कर सकते हो. बस एक राइट टीचर का होना ज़रूरी है. अगर मैं पेपर टू की बात करूँ, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो सबसे पहले तो मैं फिर से कहूँगी, भाई एक राइट टीचर ढूंढ लो. ठीक है, राइट गुरु ढूंढ लो, राइट गाइड ढूंढ लो, कोई भी जो आपको पसंद है, जिसकी भी क्लास लगाना अच्छा लगता है, जिसकी भी बातें समझ आती हैं, उसको पकड़ लो, उसकी गाइडेंस का फ़ायदा उठाओ. अगेन, एक ऐसा टीचर फाइंड करो जिसके बैचेस से सिलेक्शन होता है, जिसके बैचेस में पढ़ के स्टूडेंट्स एक्चुअली पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं. फाइंड अ टीचर लाइक दैट एंड स्टिक टू दैट पर्सन. उसकी गाइडेंस, उसकी एक्सपर्टीज पे बिलीव करो. पर इसमें सिर्फ YouTube वीडियो से, सिर्फ YT वीडियो से काम नहीं चल सकता. ऑफकोर्स YT वीडियोज तो आप लोग देखोगे ही, लेकिन उसके अलावा जो है इसमें कुछ कैनोनिकल या स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं. कुछ कैनोनिकल या स्टैंडर्ड जो है बुक्स इसमें होती हैं, वो बुक्स आपने ज़रूर पढ़नी है. तो कोई भी नेट का बच्चा अगर मुझे बोलता है कि मैम सिर्फ आपके नोट्स से हम पढ़ लें तो काम चल जाएगा, नहीं. नोट्स डेफिनेटली एग्जाम रेडी आपको बनाएंगे, नोट्स डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड है. लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ रहे हो, तो देखो आप लोगों ने कल को जाके रिसर्चर्स बनना है, स्कॉलर्स बनना है, लेक्चरर्स बनना है, प्रोफेसर्स बनना है. तो सिर्फ नोट्स से पढ़ पढ़ के तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना. ग्रेड लेवल ए के ऑफिसर बनेंगे आप, गेस्टेड ऑफिसर्स बनेंगे इंडिया के, तो अपना थोड़ा ना रुतबा भी उस हिसाब से आपने बनाना है आगे जाके. तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग जरा एक बार फॉलो अगर कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से पहले से देखो पेपर वन सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर वन टू का किसको ज़्यादा वैल्यू जाएगा, किसको कम जाएगा, वो सब देख वेख के अपना रखना. और बस अच्छा, अगर इंग्लिश लिटरेचर का गुरु चाहिए तो वो आपके सामने बिल्कुल हाजिर है. रोज़ यहाँ पे 3 बजे मैं अपने यूट्यूब के क्लासेस लेती हूँ इंग्लिश लिटरेचर की. आपने अगर अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें. और अगर मेरे साथ लग के आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से इस पेपर की करना चाहते हैं तैयारी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं alert247.com, या हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. मेरी क्लास लाइव होती है हमारे प्लेटफॉर्म पर रोज़ शाम को 6 बजे. बैच में एनरोल करने के लिए याद रखें डिस्काउंट कूपन कोड जरूर लगाना Y542. बैच आपको ये हमारा अवेलेबल हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पे. ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ हो जाएगा
अवेलेबल. तो अदर 24/7 की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाके आप ऑल कोर्सेज में मेरे यूजीसी सेक्शन में मेरे कोर्स को फाइंड कर सकते हैं. तो ये रहेगा जो है आपका तरीका, ठीक है ना. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे पेज को और जुड़िए मेरे साथ. आई एम प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी. आई विल सी यू गाइस लेटर.